Hello everyone, this is Sober and we're back with another video. In this video we are gonna talk about a gameplay. इस gameplay की situation कुछ ऐसी है like ये gameplay है Team Spirit के नाम से, lineup है Western Europe से, जो कि पहले नावी के नाम से खेलती थी. One of the OGS lineup है. किट्सोने है, नोमी, इनका न्यू लाइनअप ज्वाइन किया लास्ट ईयर, इफेक्ट ज्वाइन किया था, नोमी के साथ ज्वाइन किया था, और फिफ्थ मैन है इनका जो एक्स्ट्रा बंदा है वो है मैटिच. किट्सोने इज वन ऑफ द ओजीएस्ट आइडियल्स ऑफ दिस गेम, लाइक फ्रॉम फर्स्ट सीजन ऑफ द ग्लोबल इवेंट खेलते हुए आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है. ये गेम प्ले पीओवी है नोमी का. इसमें द बेसिक पॉइंट टू फोकस इज हाउ टू प्ले अंडर द कवर ऑफ लाइक एडीएस ऑफ योर टीममेट्स, एंड वो क्या बेनिफिट करता है, हाउ डज इट बेनिफिट. ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है दैट किट्सोने नाओमी और इफेक्ट पीछे स्क्वाडोस पे खेल रहे हैं, शेल्टर के मेल्ट वाले साइड पे. आउटस्कर्ट में एक स्क्वाडोस होते हैं रोड के दोनों साइड पे, राइट साइड पे स्क्वाडोस है, एंड उसके ऊपर स्नाइपर टावर पे नाओमी खेल रहा है अकेला. द मोमेंट ही रियलाइजेस, हेयर लेट मी टर्न द वॉइस ऑफ, द मोमेंट ही रियलाइजेस दैट अभी इस पे पुश आने वाला है, स्लैम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, जोन श्रिंक इन हो रहा है, वो अपने टीममेट्स पे के कवर पे उतरता है एंड फायर फाइट कंटिन्यू करता है. यहाँ से जो गाड़ी आती है उनको डैमेज देता है, बगी वाले को डैमेज दिया, दो गाड़ियाँ स्लैम दी, एक बंदे को बगी वाले को नॉक कर दिया, दूसरे बंदे को फिनिश करने की ट्राई करता है, नेड करता है इधर ताकि जो सेकेंड बंदा है उसको भी नॉक कर सके, ताकि इस साइड से वो फाइट क्लियर कर सके. बट अगले बंदे ने नो डाउट लाइक अ गुड नेड किया जिसकी वजह से नॉक हो गया. एंड जब भी ये नॉक हुआ यू कैन सी दैट पीछे रुक गया है किट्सोन, ने पीछे रुका हुआ है, एंड नाओमी और इफेक्ट आगे आएंगे इसकी जगह पे, ऐसे इधर जहाँ पे आ चुके हैं. यहाँ पे ये हम जो मिस्टेक करते हैं नॉर्मली अंडरडॉग मिस्टेक करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे फाइट हुई है एंड अपना बंदे को नॉक पड़ा है, उसको रेस्ट देने के लिए करीब गए, हम गाड़ी लगाते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, हम पे हम रेस्ट उठाने की ट्राई करते हैं. यू कैन सी हाउ प्रोफेशनल्स डू इट, लाइक दे प्रायोरिटाइज के आगे लाइक ऊपर वाला बंदा नेड करेगा, नेड कर सकता है, यूटिलिटी यूज करके एक और नॉक निकाल सकता है, तो सो ये प्रायोरिटी कर रहे हैं कि उस बंदे को पहले क्लियर कर सके एंड देन अपने बंदे के रेस्ट पे बैठे. यू कैन सी हाँ ये नेड्स करेंगे, इधर से नेड कर रहे हैं, ऊपर से उसने नेड किया, इसको डैमेज पड़ा, बट दे आर ट्राइंग के यार जी इसको रिवाइव करने से पहले इसको फिनिश कर सकें, इसको किल अपना इसका फिनिश जो इसने किया हुआ था वो मिल गया, ऊपर वाला बंदा भी स्टिल सर्वाइव कर रहा है. यहाँ पे रेज करने की जरूरत थी इसलिए एक बंदा रेज पे बैठ गया, दूसरा इसको बंदा कॉन्स्टेंटली मूविंग कि ऊपर वाला बंदा अगर पीक आउट करता उसको मार सके. किट्सोने पीछे से एडीएस दे रहा है, जोन शिफ्ट हो गया है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द जोन कि जोन कैसे बनाना है, एंड ऊपर वाला बंदा आई थिंक किसी और टीम ने मार दिया था, इन्होंने फिनिश नहीं किया, ऊपर वाला बंदा डेड हो गया बट इन्होंने नहीं मारा था अकॉर्डिंग टू द किल फीड. यहाँ पे ये सिचुएशन रैंडम फ्री फायर दिए, लूट की, लूट क्लियर करके दे विल स्टार्ट मूविंग, लाइक जो मार्कर देखा था उसके हिसाब से जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, दे स्टार्टेड मूविंग इन द जोन. क्या नाम है, इफेक्ट आया, स्काउट किया जगह पे एंड नॉक पड़ गया, तो द वे लाइक सिंपली सी दिस वे, लाइक उसने उतरते ही एक स्मोक इस साइड पे करीब किया ताकि इसको उठा सके, बाकी दो उसने लॉन्गर वेज पे स्मोक किए आउट साइड पे, जो राइट से जो टीम आएगी मेल्टा वाली साइड से, इस साइड से वो इनको मार ना सके. जस्ट फोकस ऑन द वे दे आर यूजिंग यूटिलिटीज. इसको रेज उठाया, रेज उठा के क्या नाम है ये फाइट इनिशिएट करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. जस्ट 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 सी लाइक ये कॉन्स्टेंटली आगे भी स्मोक करेगा, लेफ्ट पे ऊपर स्मोक हुआ हुआ है, अपना व्यू ब्लॉक नहीं किया हुआ, जो दूर से मिड रेंज से स्प्रेज आएंगे उनको उनसे बचने के लिए व्यू ब्लॉक किया हुआ. इधर से एक बंदा वो वीपी का ओर का नॉक देता है उसको साइड, लाइक उसकी व्हीकल बस्ट करके उसको फिनिश कर देते हैं, इफेक्ट इज ऑल लाइक अगेन नॉक. ये स्मोक की फॉर्मेशन देखें, लाइक ये स्मोक सिर्फ इस वे से कर रहे हैं, लाइक 8 से 10 मीटर आगे खुद की अपने से किया हुआ है, राइट साइड पे भी उन्होंने भी स्मोक अपने से दूर किया हुआ है दरमियान से इनको, ताकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ब्लॉक ना हो, जो ओपोनेंट टीम्स इन पे फायर कर रही है उनका व्यू ब्लॉक हो, इस तरह लाइक
एंड अभी लाइक नोमी इधर से जाएगा, ऑफ एंगल क्रिएट कर रहा है, ऑफ एंगल क्रिएट करके ही विल प्रोवाइड नॉक्स टू दीज लाइक जो ऊपर टॉप रिज हाई हाइट एडवांटेज लेके बैठे हुए हैं, जोन के एज पे है, जोन आउट ऑफ द जोन है, उन पे नॉक्स निकालेगा एंड प्रेशर क्रिएट करेगा दूसरी साइड से, मिड रेंज से दूसरे टीममेट्स भी रैंडम स्प्रेस दे रहे हैं, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। दैट्स द सिंपली वे, दिस इज द वे लाइक एक प्रोफेशनल टीम स्काउट करती है, स्मोक्स यूज करती है। स्मोक की यूटिलिटी की लाइक एक दो वीडियोस में मैंने पहले भी बात की है कि यूटिलिटी यूज करनी है तो अपने से दूर रहे। देखो अपने 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 एरिया पे, जो ये शेडेड एरिया है आई एम मार्किंग इट, इस एरिया पे इन्होंने कोई स्मोक नहीं किया हुआ। स्मोक हुआ है थोड़ा आगे राइट साइड से, मेल्टा वाली साइड से बचने वाले बंदू से बचने के लिए, इस साइड से दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे यू विल सी अभी दिखाता है पीओवी में, लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे इधर से स्मोक हुआ हुआ है ताकि ऊपर टॉप टॉप रिज वालों को एग्जैक्ट एग्जैक्ट लाइक क्लियर व्यू ना आए। दीज आर द वीडियोज लाइक जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड के अपने प्लेयर के एडीएस पे खेलने से यू कैन रैप इट अप द फाइट इजीली। अकेला बंदा एक 1v4 भी कर सकता है। एंड सेकंड, द यूटिलिटी वाज ऑन पॉइंट। यूटिलिटीज हमेशा अपने अपने एरिया ऑफ होल्डिंग से 5-10 मीटर लेफ्ट राइट आगे पीछे की जाती हैं ताकि अपना पीओवी क्लियर रहे और अपोनेंट्स का जो आउटसाइड से फायर आएंगे, आउटसाइड से फायर आएंगे उनको एग्जैक्टली क्लियर पीओवी ना मिल सके, कि वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग एंड कनेक्टिविटी अच्छी ना हो सके। एंड कीप योर सेल्फ इन मूवमेंट। ये किचन मूव कर रहा है, ये एंगल्स बनाएगा, वो एवरीबडी इज लाइक कॉन्स्टेंटली मूविंग, एक जगह पे लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। यही चीजें वी नीड टू वर्क ऑन अंडरडॉग एज एन अंडरडॉग टीम टू मेक आवर गेम प्ले आउट शाइन इन टफ लॉबीज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू थिंक लाइक मैंने कोई चीज मिस कर दी इन दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लीव एंड मैंशन दैट थिंग इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव। लाइक आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट एज अ अर्ली बिगिनर कॉन्टेंट क्रिएटर, सो देर विल बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स होंगी, मुझे इम्प्रूव करना होगा। सम मिस्टेक्स मैं खुद देख लूंगा, मैं समझ जाऊंगा, समटाइम्स मैं नहीं समझ पाऊंगा। इट वुड बी लवली कि अगर आप सजेशंस दें अबाउट द थिंग्स दैट आई कैन इम्प्रूव। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।